नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने क्षेत्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। यानी कि क्षेत्र के स्वाभिमान पर जब आंच आने लगी तो उन्होंने मुगल सेना को उल्टे पांव वापस भगाने को मजबूर कर दिया। जी हां, उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावड़ क्षेत्र के ग्राम मलेथा में जन्मे वीर योद्धा अनंतराम नेगी। वीर योद्धा अनंतराम नेगी के प्रतिमा स्थापना दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। सेवा प्रकलन संस्थान के द्वारा वीर अनंतराम नेगी की प्रतिमा को जौनसार बावड़ के केंद्र बिंदु सैया में स्थापित किया गया, जिसके बाद वीर योद्धा अनंतराम नेगी की इस प्रतिमा स्थापना दिवस को सैया में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी सेवा प्रकरण संस्थान के द्वारा वीर योद्धा अनंतराम नेगी की प्रतिमा स्थापना दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सेवा प्रकलन संस्थान पश्चिमी वाला उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री डालचन के द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद जौनसार बावड़ के केंद्र बिंदु में विभिन्न तरीके की जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति से जुड़ी हुई प्रतिस्पर्धाएं भी देखने को मिली। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने बड़े ही खूबसूरत प्रतिभा के साथ अपने कौशल को दिखाने का प्रयास किया और उपस्थित जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। दिन भर चली जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावड़ की संस्कृति से जुड़ी हुई हारूल, घेता, जूडा, जंगबाजी प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए दूर दूर से लोग सैया में एकत्र हुए और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें भाग भी लिया, जिसका निर्णय निर्णायकों के द्वारा शाम को किया गया, जिसमें कि निर्णायक की भूमिका में जौनसार बावड़ की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने वाले नंदलाल भारती, सीताराम शर्मा, शांति वर्मा के साथ दो अन्य जजों ने अपने जजमेंट को सुनाया। निर्णायकों ने कुल मिलाकर जहां 3 पुरस्कारों से उत्पालिता को पुरस्कृत किया, जिसमें कि 2 हारूल प्रतिस्पर्धाओं के लिए जबकि 1 वाद्य यंत्र ढोल, जो कि क्षेत्र का बेहद ही खूबसूरत वाद्य यंत्र है, उसके लिए ज्ञानचंद वर्मा को पुरस्कृत किया गया। तो वही उसके अलावा जंगबाजी प्रतिस्पर्धा ने भी उपस्थित जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और जंगबाजी प्रतिस्पर्धा में इसला और फटियों की टीम को पुरस्कृत किया गया। हालांकि जंगबाजी प्रतिस्पर्धा को लेकर जजेज के फैसले ने उपस्थित जनता को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि जिस तरीके से इछला की टीम ने परफॉर्मेंस किया था तो उसको हर कोई प्रथम पुरस्कार की विजेता मान रही थी, लेकिन फाइनली उसको द्वितीय विजेता के रूप में जजेज के द्वारा घोषित किया गया। जंगबाजी प्रतिस्पर्धा में इछला की टीम की सुंदरता का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इछला के 2 बुजुर्ग इस प्रतिस्पर्धा को प्रस्तुत कर रहे थे तो जौनसार बावड़ की लोक संस्कृति के पुरोधा माने जाने वाले नंदलाल भारती ने खड़े होकर उन बुजुर्गों की प्रशंसा की थी। जो नंदलाल भारती जौनसार बावड़ की लोक संस्कृति को सबसे अधिक बारीकी से शायद जानते और समझते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर जजेस के फैसले के आगे नंदलाल भारती का 100 में से 90 नंबर का फैसला भी इछला के फेवर में नहीं आया और कारणवश उन्हें द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी जजेस के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार अंततः फटियों की टीम को प्रथम पुरस्कार के लिए जंगबाजी प्रतिस्पर्धा में चुना गया, जबकि द्वितीय पुरस्कार के लिए इछला की टीम को जरूर पुरस्कृत किया गया। जंगबाजी प्रतिस्पर्धा में उत्पालिता की टीम की भी लोगों ने जमकर प्रशंसा की और ऐसे में यदि जंगबाजी में भी उत्पालिता की टीम हाथ मार लेगी तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि इस प्रतिस्पर्धा के सारे ही पुरस्कार उत्पालिता के खाते में जाने वाले, क्योंकि हारूल में 2 पुरस्कार ऑलरेडी उत्पालिता की टीम जीत चुकी थी। इसके अलावा ढोल वादक में ज्ञानचंद वर्मा, जो कि क्षेत्र ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की तरफ से भी कई जगह अपनी प्रतिस्पर्धा का लोहा मनवा चुके हैं, उनको सुशोभित किया गया। सेवा प्रकरण संस्थान की तरफ से बतौर मुख्य वक्ता के रूप में सैया पहुंचे डालचंद ने कहा है कि वीर अनंतराम नेगी का जीवन युवा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का मार्ग है। वीर अनंतराम नेगी के जीवन से हमें स्वाभिमान के साथ साथ धर्म रक्षा की भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हम सैया में अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास और जानते हैं क्या कुछ कहा विभिन्न लोगों ने इस प्रतियोगिता के बारे में वीर अनंतराम नेगी की वीरता को लेकर। सर, आप यहाँ पर अनंतराम नेगी के कार्यक्रम में आए हैं, अनंतराम नेगी के बारे में आप क्या जानते हैं और आपने अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही सुंदर तरीके से जो जंगबाजी यहाँ पर प्रस्तुत किए थे उसके बारे में भी जरा बताएं सर। वैसे मैं मुझे जानकारी ज़्यादा भी नहीं है अनंतराम नेगी के बारे में, पर जो कुछ थोड़ी बहुत है वो मैं जो भी कुछ गलतियाँ हो उसे माफ करें।
तो नंदराम नेगी जो है जब ये मुगल जब नान में आए थे जब उन्होंने जो है और सेना लेकर यहाँ पर आक्रमण करने लगे तो आखिरकार नंदराम नेगी को ले गए कि ये जो है नंदराम नेगी ही कर सकता है इस काम को। तो नंदराम नेगी को जब यहाँ ग्राम मलता में जब कोई जोड़ी भेजी गई है तो नंदराम नेगी गए तो उन्होंने जो है राजा को का सिर जो है काट के लाए थे। पहले तो वो उन्हें मार के आए थे पर जब वो आए तो फिर दोबारा उन्हें भेजा था कि नहीं हमें विश्वास कैसा होता है हम उनकी सीरी चाहिए हमें हम तो विश्वास करेंगे। तो दोबारा जब गए वो सीरी लेने के लिए तो उस टाइम जो है वो उनके सेना के उसमें जो आ गए हैं उन्होंने जो है वो मौत के घाट घाट उतार दिया गया है। दूसरा जो आपने उसे जंगबाजी के बारे में बताया ये तो थोड़ा कार्य हमारा भी थोड़ा रोमांचक है हमने जो थोड़ा बहुत वैसे हमें अब शौक भी ज़्यादा रही नहीं क्योंकि ऊपर के इतिहास से जो है धन्यवाद शर्मा जी आपने जो है डीसीपी न्यूज के द्वारा जो कार्यक्रम को उजागर करने का जो कार्य किया है हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो ये कार्यक्रम है जो वीर नंदराम नेगी की जो मूर्ति स्थापना पिछले वर्ष की गई थी उसके एक वर्ष के बाद ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है जो कि हर वर्ष मनाया भी जाएगा। तो इसी कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए हम लोग अपनी संस्कृति को भी उजागर करने के लिए इस ड्रेस में भी आए थे और कार्यक्रम भी दे रहे हैं ताकि अपनी संस्कृति को उजागर हो सके और क्या क्या इस कार्यक्रम में। आपके पास जो ड्रेस है इसका नाम क्या है और आपके पास जो टोपी है इसका नाम क्या है? ये जो ड्रेस है ये हमारी इसको जूडो जूडो कहते हैं इसको ये हिसाब से चाहे कह लें राजस्थानी ड्रेस ये चाहे जो हम अपनी भाषा में इसको जूडो कहते हैं और ये टोपी जो है कुनौरी टोपी कहते हैं इसको किन्नौर की टोपी है ये पहाड़ी क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। वर्मा जी जो कि प्रसिद्ध ढोलक वाद्य है और कई मंचों से सम्मानित है मुख्यमंत्री द्वारा भी ये सम्मानित है और वर्मा जी आज आप यहाँ पे नंदराम नेगी जी के उसमें आए हैं और आपसे ये जानने चाहेंगे हम कि जो ढोल के था पर जो यहाँ पे संस्कृति चलती है वो क्या है कौन कौन से है जो ऐसा है कि जो ढोल के सिर्फ ढोल बजता है और नृत्य होता है जी। सबसे पहले तो मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार सभी महानुभाव को। मैं भी नहीं जानता हूँ लेकिन जो तकरीबन थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ वो ढोल और दमाव बजता है हर एक आने जैसे हमारा नाच जो है शुरू होता है घी ताला घी थोड़ो कुंडिया रासो और जी झेका रासो उसके बाद जो जो जोड़ो हमारा टॉप शादी विवाह में धूपोट धूपोट बजाना देवता के मंदिर में शब्द करना ये भी ढोल दमाओं की थाप में बजता है। और सिर्फ रासो जो दोनों हाथ से झेका तो एक ही हाथ से लगता है रासो दोनों हाथों से लगता है रासो में कोई गाना नहीं बजता ढोल दमाव बाकी हर एक गानों में अच्छा मडौने का भी गाना है मडौने में भी जो मडौने लगता है पांडव नृत्य होता है उसमें भी ढोल दमाव बजता है उसमें भी गाना लगता है। क्या कहेंगे कि मतलब जो लुप्त हो रहा वाद्य यंत्र है उसके बारे में आप क्यों वो लुप्त हो रहे हैं क्या कारण है जी? अब अधिक तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि है जब से हमारे ये डीजे वगैरह ये नए नए गाने जो आए हैं डीजे के ये अलग अलग डांस वगैरह हो रहे हैं इन्होंने जो हमारा जो पुरानी संस्कृति है उसको अभी मैं कह तो रहा हूँ कि जैसे घी है ताला घी है थोड़ो झेठा है आशा है और अपना जो पांडव नृत्य था हमारा मनावना है हमारी बूढ़ी दीवार
दिवाली है, इसी दिवाली में भी ये हार छह तारा से ये लगता था। इन चीज़ों को लोग भूल चुके हैं, अब नई नई तकनीक आई है, नई नई चीज़ें अपना रहे हैं। लेकिन मैं ये विनती करूँगा सभी से कि अपना जो हमारी संस्कृति है, कितना कोई पढ़ लिख भी जाए, कितना कुछ आगे बढ़ जाए, कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भुलाओ। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे सेवा प्रकल्प संस्थान का उद्देश्य रहता है, एक तो जिन महापुरुषों ने अपने देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान दिया उसको लोग भूले ना, और दूसरा प्रतिवर्ष जब आयोजन रहता है उसका तो लोगों के मन में वो जागृत रहता है, सतत जागृत रहता है, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको प्रोत्साहन मिलता है कि कभी समय आएगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। दूसरा उद्देश्य रहता है कि जो अपने लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, चाहे वो लोग नृत्य हैं, चाहे वो लोग गीत हैं, तो उनको भी लोग भूले ना, यदि भूल गए हैं तो फिर से उनकी स्मृति में आए और उनका उनका वो चलन में आए, ये उद्देश्य है। सर मैं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम संस्था जो हमारे पश्चिम मध्य प्रदेश उत्तराखंड में सेवा प्रकल्प संस्थान के नाम से जाने जाते हैं, उसका हमारा दायरा पूरे जौनसर बाबर में फैला हुआ है। उसी संस्था के द्वारा ये हमारे नंद राम नेगी जी की शौर्य को पहचाना गया, और उसी संस्था के द्वारा अभी आपने एक बड़ी मूर्ति देखी होगी मंदिर स्तर पर, वहाँ पर उसको लगाया गया था 3 वर्ष को 7 नवंबर को, पिछले बार भी उसकी वार्षिक उत्सव मनाई गई थी, इस वर्ष भी वीर नंद राम नेगी हमारे जौनसर बाबर के ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने मुगलों के समय में जब यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया था, पातशाही बाग तक वो मुगल सेना आ गई थी, तब यहाँ पर सिरमौर के राजा ने संघर्ष आ गया तो चयन किया गया बहुत से योद्धा में, लेकिन उन्होंने अपने नंद राम नेगी खड़े उतरे और इन्होंने वहाँ से जा कर के मुगलों का जो वजीर था जो मुगल सेना को वो लीड कर रहा था, तो उसको उसकी शिविर में जा करके उसका सर काट करके वो लेकर के आ गए थे। ऐसे हमारे नंद राम नेगी वीर, तो उनकी याद में प्रतिवर्ष हम ये उत्सव यहाँ पर बनाते हैं, और आज इतनी बड़ी संख्या में आज आप देख रहे होंगे पूरे हमारे जौनसर बाबर के घर घर से बच्चे बूढ़े जवान सब इसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये बड़े हर्ष का विषय है कि हम जौनसर वासियों में अपने जो वीर योद्धा नंद राम सिंह नेगी जी हैं उनके प्रति आदर सम्मान का भाव जगा है, और भी अन्य हमारे इस क्षेत्र में जैसे वीर शहीद ये भी हुए हैं, उनको भी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर मैं और अन्य लोग भी हैं उनको प्रयास कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं कि उसी प्रकार से इसका मेले के आयोजन किया जाए अपने पार्टी के जो हमारे वीर सपूत हुए हैं। सर यहाँ पर वीर पुनकू जी और वीर कलीराम जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और आज तक उनका कहीं भी मूर्ति वगैरह नहीं लगी, क्या कहना है इनके बारे में सर? वीर पुनकू जी और वीर कलीराम जी, उनके बारे में क्या प्रयास रहेगा? अभी हमारा यही प्रयास जारी है 2-3 वर्षों से, जब से हमारा ये हुआ कि हम खोज रहे हैं कि अभी हमारे लोग और बहुत सारी टीम लगी हुई है कि जो हमारे माटी से जुड़े हुए हमारे वीर पुरुष निकले जिन्होंने हमारे माटी का नाम रोशन किया है हमारे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, तो ऐसे खोए हुए लोग जो हैं उनको पहचान करके हमारी संस्था उनको आगे लाने का काम करेगी, हमें हमारे समाज में उनके प्रति जागरूकता पैदा करेगी, उनके बारे में बताएगी जिससे लोगों को उनके बारे में जानकारी हो सके और उनके प्रति सम्मान बढ़ सके। नंद राम नेगी जी के घर से परिवार से यहाँ पर उपस्थित नेगी जी है, मैं उनसे बात करेंगे। सर नेगी जी के बारे में, नंद राम नेगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो महान वीर पुरुष थे जो कि बहुत पुराने, जब मुगल साम्राज्य का राज था तब से वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनने मुगल साम्राज्य की गर्दन काटी थी, और उनका बहुत बड़ा नाम था। नाहन के राजा ने उन्हें एडवाइस दिया था कि आप हमारे सेना में आओ और हमारी नाहन रियासत को बचाओ, तब उस मुश्किल घड़ी में उनको बुलाया गया था। सर अभी भी मराड़ गांव वाले ये कहते हैं कि मतलब हमारा नंद राम नेगी है, और मलेता गांव वाले कहते हैं कि हमारा नंद राम नेगी,
नंदराम नेगी मलेदा से ही फिल्म करते थे। मोराड हमें गिफ्ट दिया हुआ है, सियासू हमें गिफ्ट मिला था, कालसी तहसील में हमें बैठ के बजरी मिली थी उस महान पुरुष की वजह से। जब उनकी डेथ हुई थी तो उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों को भगा के तब हमें कालसी तहसील में बजरी मिलती थी, जिससे हम सारी माल गुजारे करते थे। अब जब सरकार के नए नियम आए, कई सौ साल कोई आज की बात नहीं है, साम्राज्य की बात है, और आज इसके बारे में लोग इसकी प्रदर्शनी लगाते हैं, मेला लगाते हैं, और इसलिए लोग सैया में आते हैं, सैया में इनकी मूर्ति स्थापना की गई है, और इसीलिए ये 7 नवंबर का दिन था जब ये मूर्ति स्थापना हुई, और तब से सभी लोग इस महान पुरुष के इससे सब लोग सैया में आते हैं, और आज मनोरंजन का उत्सव त्यौहार मनाते हैं। अच्छा महसूस हो रहा है, बड़े खुशी की बात है, पूरे जौनसार बाबर को गर्व होता है इस महान वीर पुरुष के बारे में, और बहुत अच्छा लगता है इतनी पब्लिक आती है, इतने लोग आदर सम्मान करते हैं, मलेदा वालों को सब याद करते हैं, इससे ज़्यादा बात क्या। सर मंच पे स्थान, शायद यहाँ पे मंच पे स्थान आज मैंने नहीं देखा कि आज किसी को अलाउ ही नहीं होता है मंच पे, ये समिति द्वारा चल रहा है, लेकिन हम लोगों को फिर भी आमंत्रित करते हैं लोग, हम लोग आते हैं और समिति के साथ सब नियम के आधार पर सब। आपका शुभ नाम सर? तो आप अपना नाम बताएं, और आप नंदराम नेगी जी के परिवार से हैं, क्या कहना है? सर मेरा नाम रणवीर नेगी है, मैं मलेथा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ तक आपका सवाल था कि वही नंदराम नेगी क्यों फेमस हुए। 1785 में ये मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में आक्रमण किया था। ये हमारे जो दिल्ली के शासक थे शाह आलम जी थे, तो वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था रोहिला सरदार ने, तो वहाँ पर रोहिला सरदार को इन्होंने क्या कर दिया, अपना बंदी बना करके उसको जिंदे की आंखें निकाल दी। इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता रोहिला सरदार के द्वारा की गई, और उनकी जो रानियाँ थी वो उनको अपना इसको कहेंगे हम एक रखेल बनाई। उस बर्बरता के बाद ये हरिद्वार के मार्ग से इधर वो देहरादून को रौनते हुए ये इधर बादशाहबाग में इन्होंने डेरा डाला, और बादशाहबाग होते हुए पौंटा साहिब में इन्होंने डेरा डाला, और सिरमौर रियासत पर इनका जो है आक्रमण करने का उद्देश्य था। सर बताते चलें आपको कि 1915 में सिरमौर गजेटियन बना है, गजेटियन में जिक्र आता है कि जो उस समय हमारा जो एड्रेस होया करता था, हमारा जो परिचय होता था, उस समय क्या लिखते थे, मुल्क पंजाब लिखते थे, और जिला सिरमौर होता था, और तहसील कालसी हम लोगों की होती, ये मुल्क पंजाब में आता था। पूरा जौनसार बाबर जितना भी क्षेत्र है कि हम लोग फिर ये सिरमौर रियासत में हम लोग थे उस समय से। तो जब मुगलों ये ऐसा लगा कि भाई अब खान रियासत पर जो है एक संकट के बादल आए हैं, तो हमारे जो दादाजी थे भूप सिंह जी थे, वो सलाहकार थे राजा जगत प्रकाश के यहाँ। राजा नाबालिग थे, 14 साल की उम्र थी, बहुत छोटी उम्र थी, तो रानी को लगा कि यार ये तो बड़ा अब संकट का समय आ गया है, जो दिल्ली पर शासन करके आ रहा है रोहिला सरदार, अब तो हमारे पास इतनी सेना भी नहीं है। उसके लिए फिर एक मंत्रिमंडल बैठाया, तो भूप सिंह जी ने सलाह दी कि हमारे पास एक लड़का है वो नंदराम नेगी करके, वो अगर उसको जो है सेनापति बनाया जाए तो वो साहसी है, पराक्रमी है, बहुत मतलब विलक्षण बच्चा है वो। तो उस समय हम जो हमारी जो सेना की ट्रेनिंग होती थी सिरमौर रियासत की, तो यहाँ पर बैराट खाई में होती थी, बैराट खाई में कैंप होता था, क्योंकि इधर टीरी के राजा की सीमा लगी हुई थी। इसलिए करके जो है फिर वहाँ से संदेश भेजा गया कि भाई आपको नहान बुलाया है, तो नंदराम नेगी नहान चले गए। फिर उनको जो है एक एग्ज़ाम दिया गया, एक परीक्षा दी, परीक्षण किया गया उनका कि भाई आपको सेनापति बनाया जा रहा है।
तो बहुत सारी चुनौतियां उनको थी कि जैसे भाई गुरसाल में जा करके आप चयन करेंगे कि कौन सा घोड़ा आपको चाहिए, और चलते घोड़े पर भाग करके जो है उसमें जैसे कांच की गोली बोतल के ऊपर रखनी है, उसको गोली को उड़ाना है लेकिन बोतल में टच नहीं होनी चाहिए तलवार, इतना मतलब सटीक निशान आपका होना चाहिए तब आप सेनापति लायक है। तो उन्होंने ये सारी एग्जामिनेशन मतलब बात किए, उसके बाद इन्होंने जो है वहाँ पर कटाक्षण देवी का मंदिर पड़ता है, वहाँ पर रोंगियो जगह पड़ती है जहाँ पर इनका युद्ध हुआ, रोंगियो कह बोलते हैं इसको। तो फिर इन्होंने जो है सेनापति का वो पद ले करके सिरमौर मुगलों पर आक्रमण कर दिया, और मुगलों पर आक्रमण करते करते जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। सर आज कैसे लग रहा है आपको? देखिए सर, आज मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे दौनसर बाबर जो हमारा एक जनजाति क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था किसी समय में, यहाँ पर एक हमारा एक जौनसर का एक इतिहास शुरू हुआ, और हमारे एक केसरी चंद जी है, इन महापुरुषों ने जिन्होंने अपना जो है अपनी कुर्बानी दी है, तो हमको भी गर्व महसूस होता है कि भाई हमारे क्षेत्र में भी ऐसे पैदा हुए, आने वाले बच्चे हमारे जो है उनके अंदर एक ऊर्जा मिलेगी कि यार हम लोगों के हमारे जब पूर्वज ऐसा कर सकते तो शायद हमारे बच्चे भी ऐसा सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रणवीर नेगी है, ग्राम मलेथा। ग्राम मलेथा से? अच्छा, जहाँ से नंदराम नेगी जी। सर यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लंबी लिस्ट है, लेकिन उनके ओर ध्यान अभी तक आकर्षित हुआ है क्षेत्र का, जनता का, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे जैसे कलीराम ककाड़ी जी हैं, और वीर फुलको दास जी हैं, कालू राम जी हैं, और भी कई हमारे ऐसे वीर हैं जिनका नाम जो है स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी सुध देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लगभग इसमें फुलको दास जी हैं वो अनुसूचित जाति से हैं, इसलिए उनकी भी कोई सुध लेने वाला नहीं है कलीराम ककाड़ी जी, जबकि साहिया में स्थापना जो होनी चाहिए थी मूर्ति कलीराम ककाड़ी जी होनी चाहिए, क्योंकि वो साहिया से बिल्कुल टच में है और उनकी स्थापना होनी चाहिए, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना शासन ना प्रशासन ना क्षेत्र के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कोई इस चीज़ की सुध लेने वाला नहीं है। रावत जी, नंदराम नेगी की जो हारूल है उसमें आपने जो है अभिनय कर रखा है नंदराम नेगी का, कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और उसे जो गाया है क्या कहें हैं मुकेश शर्मा जी ने जो मेरे उस हारूल को गाया, उसमें मैंने बहुत अच्छा डांस किया है, अपनी तरफ से लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। वो नंदराम नेगी जो हारूल है वो मिलियनों में चली हुई है, और हिमाचल जौनसर और गढ़वाल में बहुत हार बहुत बढ़िया चली हुआ है। थैंक यू सर। तो ये आज हमारा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, तो ये मतलब हमें देख के बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे पौराणिक जो भी थे हमारे बुजुर्ग लोग थे, तो हमें वो भी आज देखने को मिला है, जैसे जगहबाजी हो गया, ये जुड़ा नृत्य वगैरह, तो ये भी जो हमें देखने के लिए मिला, ये भी मतलब हमने देखा नहीं था, तो हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, और ये जो हमने हमारी पोशाक है ये भी हमें ये दर्शाता है कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमें मतलब इस पोशाक से पता चलता है कि हमारी संस्कृति में ये पोशाकें हैं, और जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसको हम और बड़ा भी देवता को याद किया, और उसके बाद ये तलवार का और कदमों का खेल एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के लिए, ये देखिए कमर पे हाथ, तलवार से सलाम, ये है अग्रभाग को जाते हुए तलवार आक्रमण के लिए तैयार, बहुत ही सुंदर, ये देखिए अपनी रक्षा करते हुए इस घुमावदार आक्रमण से कोई आपके नजदीक आ नहीं सकता, कदमों का सुंदर पंचाम संचालन, तलवार को पकड़ा है दोनों एक कोने पर फिर पलटा मारा, देखिए ये कोई पहल वाली से कम नहीं है, लेकिन तलवार के पौधों से इस नृत्य की तालों को संकेत करते हुए
के योद्धा नंदराम नेगी जी के हुनर वाला ये दो दिन यही वो तलवार रही होगी जिससे शीश साट कर अलग किया था नंदराम नेगी ने और इतिहास दर्ज किया था।